हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी वर्ल्ड। आज हम आपको सूजी का हलवा बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए, परफेक्ट हलवा बनाने के लिए हमें एक निश्चित मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है और वो हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले आप सूजी लीजिए एक कटोरी, कोई भी आप एक नाप की कटोरी या कापी या कुछ भी ले सकते हैं, एटलीस्ट चम्मच भी ले सकते हैं, 4 चम्मच जैसे सूजी ले लिया आपने। हमने यहाँ लिया है सेम साइज़ की सारी कटोरियाँ हैं, एक कटोरी सूजी, एक कटोरी से थोड़ा सा कम हमने देसी घी लिया है, 2 कटोरी चीनी है और 4 कटोरी हम पतीले में पानी लेंगे। गार्निशिंग के लिए काजू और किशमिश, और 1 चम्मच हमने बेसन लिया है और 3-4 छोटी इलायची जिनको हमने क्रश कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पैन को गर्म कर लीजिए और उसमें ये सारा देसी घी डाल लीजिए। इतना घी गर्म होता है, हम 4 कटोरी पानी ले लेते हैं। इसी कटोरी से आपको मेजर करना होगा। ये 4 कटोरी हमने पानी ले लिया है, उसमें अपनी 2 कटोरी शुगर डाल देंगे। आप इस पैन को शुगर सिरप बनाने के लिए गैस पर रख देंगे। हमारा देसी घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें इलायची डालेंगे। सबसे पहले इलायची को हल्का सा सौटे कीजिए। आप इसमें सूजी डालेंगे। सूजी को हमें इसी घी में भूनना है, क्योंकि सूजी को भूनने में टाइम लगता है और बेसन जल्दी भुन जाता है, इसलिए बेसन हम तब डालेंगे जब आधी सूजी भुन जाएगी। फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिए। सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। फ्रेंड्स, सूजी भूनते वक्त याद रखिए, आप इसको लगातार चलाते रहिए वरना सूजी नीचे से जल जाएगी। बीच बीच में शुगर सिरप को चलाते रहिए। ऑलमोस्ट आधी भुन चुकी है हमारी सूजी, इसलिए अब हम बेसन ऐड करेंगे। इसमें 1 ही चम्मच बेसन ऐड करना है आपको, सिर्फ फ्लेवर एनहांस के लिए। हमने यहाँ सिर्फ 1 छोटा चम्मच बेसन लिया है, इससे सूजी के हलवे का फ्लेवर एनहांस हो जाता है। शुगर सिरप को चेक कर लेते हैं, सिर्फ चीनी घुलने तक आपको उसे पकाना है। शुगर सिरप तैयार होने वाला है हमारा और सूजी भी भुनने वाली है। देखिए, इसमें गोल्डन कलर आने लगा है। सूजी के हलवे के लिए आपको 2 गुना चीनी और 4 गुना पानी लेना होता है। जैसे आपने 1 कटोरी सूजी ली तो 2 कटोरी चीनी और 4 कटोरी पानी। घी आप अपने अनुसार ले सकते हैं, चाहे आधा कटोरी भी ले सकते हैं या 1 कटोरी भी ले सकते हैं, लेकिन उससे कम ना लें। देखिए, इसमें नाइस गोल्डन कलर आ रहा है। शुगर सिरप हमारा तैयार हो गया, हम गैस को ऑफ कर देते हैं। दोस्तों, जब आप भुनी हुई सूजी में शुगर सिरप ऐड करें तो बहुत ही केयरफुली धीरे धीरे उसे ऐड करें और थोड़ा दूर हटकर खड़े हो जाएं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा छींट आती है और स्टीम बहुत निकलती है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें गर्म हैं। देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन कलर आ गया है। आप जब भी सूजी का हलवा बनाएं, मोटी वाली सूजी इस्तेमाल करें। एक बारीक सूजी आती है और एक मोटी सूजी। मोटी सूजी का इस्तेमाल करें, उससे बहुत अच्छा हलवा बनता है। अब हम इसमें शुगर सिरप ऐड करेंगे, तो इसलिए थोड़ा दूर हटकर खड़े हो जाइए और बहुत धीरे धीरे केयरफुली, हाथ में अपने ग्लव्स पहन लीजिए या फिर ग्रिप से पकड़ कर धीरे धीरे ऐड कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितना गर्म स्टीम निकला है। फ्लेम को फुल कर दीजिए और इसमें इस टाइम किशमिश ऐड कर दीजिए। किसी किसी की शिकायत होती है कि सूजी के हलवे में लम्स हो जाते हैं, लेकिन इस तरह अगर इस मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो उसमें चाहे आप ना भी इसको स्टिर करें,
तब भी सूजी के हलवे में लम्स नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, किनारों से हलवा हटने लगा है बर्तन से, देखिए गाढ़ा होने लगा है। सूजी का हलवा बनाते वक्त बहुत ज़्यादा छींटे आती हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा चम्मच इस्तेमाल कीजिए चलाने के लिए इसको। अब हम गैस को लो कर देंगे। इस मेथड से आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी परफेक्ट सूजी का हलवा बना सकते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है क्योंकि अब इससे छींट नहीं आ रही हैं। जितना ये गाढ़ा होता जाएगा छींट दूर तक नहीं आएंगी इसकी। फ्रेंड्स, हलवा हमारा बनकर तैयार होने वाला है और हम इसे गार्निश करके सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हलवा हमारा बन चुका है। इससे ज़्यादा आप इसको ना पकाएं वरना ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल बिखर जाएगा, हलवे जैसा नहीं लगेगा, फिर वो सूजी जैसा लगेगा जैसे सूजी सूखी हुई हो। हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया, अब इसे गार्निश कर देते हैं। आप इसे गार्निशिंग के लिए बादाम, पिस्ते, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।